जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम जानेंगे कि माता पिता के आधार पर बच्चों में कौन से ब्लड ग्रुप होने की संभावना होती है और मैं इसको दो एग्जांपल से समझाऊंगा। इसके बाद पूरी लिस्ट लगा दूंगा तो आप घर बैठ करके उसको बना बना के देख लीजिएगा और उसको मैच कर लीजिएगा। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि माता का ब्लड ग्रुप ए बी है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है। तो देखो, इसमें ये पेयर में होना चाहिए। ये बी अकेला है तो अकेला है के लिए हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे जीरो लगा देखते हैं। जीरो का मतलब यहाँ पे ओ से हो गया। अब समझना, देखो अगर माता का ब्लड ग्रुप ए लिया मान लो हमने, तो ए को नीचे किया और पिता से हमने उठाया किसको, बी को। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी। ठीक, फिर अगली कंडीशन में माता का ही ए वाला लिया और पिता का कौन सा वाला लिया, ओ वाला। तब यहां पे क्या बनेगा, ए ओ। फिर माता का अगर बी वाला लिया और पिता का बी वाला लिया तो यहां पे क्या बनेगा, बी बी। और माता का अगर बी लिया और पिता का ओ लिया तो यहां पे क्या बनेगा, बी ओ। अब समझना, ए बी का मतलब तो क्या हुआ, ए बी ही होगा। ए देखो यहाँ पे जैसे बी के आगे ये जीरो लगाया था, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही ए के आगे अगर जीरो लगा तो उसका कोई मतलब नहीं, मतलब कहने का क्या है कि ब्लड ग्रुप क्या ही होगा, ए ही होगा। अच्छा, ये डबल बी ए का मतलब कुछ नहीं है, क्या है, बी ही होगा। और ये बी के आगे अगर क्या लगाए, जीरो लगा तो उसका कोई मतलब नहीं, इसका मतलब भी क्या है, बी होगा। तो यानी कि 50% तो संभावना, 50% संभावना तो किसकी है, बी ब्लड ग्रुप की, और 25% ए ब्लड ग्रुप होने की है और ए भी होने की कितनी है, 25% है। तो समझ में आया, इसको ऐसे बनाना है। अब एक कंडीशन और ले लेते हैं जिसमें हम माता का ब्लड ग्रुप ले लेते हैं ओ और पिता का ब्लड ग्रुप ले लेते हैं ए। तो अब समझना, देखो यहाँ ओ सिंगल है का मतलब एक जीरो और अपन को लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ए सिंगल है तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, एक जीरो का मतलब ओ लेना पड़ेगा। अब समझो, यदि माता का ओ और पिता का ए आया तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए ओ बन गया मान लो। फिर देखो माता का ओ और पिता का ओ, तो ये क्या बनाएगा, ओ ओ। फिर माता का ओ और पिता का ए, ये क्या बनाएगा, ए ओ। फिर माता का ओ और पिता का ओ मिलकर के क्या बनाएगा, ओ ओ। यानी कि समझो, ए क्या आएगा, जीरो का मतलब कुछ नहीं है, ए ही होगा। जीरो जीरो का मतलब यानी ओ ही होगा। यहाँ पे ए ओ का मतलब क्या है, ए ही होगा। और यहाँ पे जीरो जीरो का मतलब क्या है, ओ होगा। यानी कि समझे, इसमें देखो 50% तो संभावना है किसकी, ब्लड ग्रुप ए होने की, और 50% संभावना है किसकी, ब्लड ग्रुप बी होने की। यानी 50-50 चांसेस हो गई, 50% हो गया तुम्हारा ए और वहीं 50% हो गया तुम्हारा बी, सॉरी 50% हो गया तुम्हारा ओ। तो ऐसे ही आप माता पिता का ब्लड ग्रुप बदल बदल कर देखिए कि बच्चे में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप बन रहा है। मैं इसकी पूरी लिस्ट लगा दे रहा हूँ, आप घर पे उसको बनाइए और फिर मैच करके देखिए कि सही बना है कि नहीं बना है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो माता पिता के हिसाब से जितनी भी बच्चे में ब्लड की कंडीशन बन सकती थी मैंने सारी यहाँ पर लिख दी हैं। आपको जैसी ट्रिक बताई गई है उस आधार पर उसको बनाइए। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो आप फिर से उसको देखिए, फिर बनाइए। और अगर नई नई शादी हुई है तो अपना और अपनी बीवी के हिसाब से बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या बनेगा उसको बना के देखो। और अगर गर्लफ्रेंड है, भविष्य में कुछ हो सकता हो तो उसके आधार पर बना के देखो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक कंडीशन और समझ लो कि माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है। तो देखो, ए अकेला का मतलब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, जीरो, मतलब ओ। बी अकेला मतलब यहाँ पे जीरो। अब देखो, माता का ए और पिता का बी, तो ये मिलके बना लेंगे ए बी। फिर माता का ए और पिता का ओ, ये दोनों मिलके बना लेंगे ए ओ। फिर माता का ओ और पिता का बी मिलके क्या बना लेंगे, बी ओ। फिर माता का ओ और पिता का ओ
मिलकर के क्या बना लेंगे, ओ। तो देखो फाइनली ये बन गया ए बी, ये बन जाएगा ए, बी के आगे जीरो मतलब कोई बी ही होगा और ये ओ। तो आई होप अब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि माता पिता के आरएच फैक्टर का भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो समझना, अगर पिता का आरएच पॉजिटिव है और माता का भी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पिता का आरएच नेगेटिव है और माता का भी नेगेटिव है तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पिता का पॉजिटिव है और माता का आरएच नेगेटिव है तो यहाँ पे हो जाती दिक्कत। समझना, होता क्या है कि इसमें पहले बच्चा जब होगा ना तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो दूसरा बच्चा होगा ना वो या तो डिलीवरी के पहले मर जाएगा या डिलीवरी होने के कुछ समय बाद मर जाएगा, और जिस कारण से उसकी मृत्यु हो रही ना उसको बोल देते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलियस। अब समझना, इसमें लगा इरिथ्रो, इरिथ्रो का मतलब अपन ने पढ़ा था इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, तो इरिथ्रो मतलब क्या हो गया आरबीसी, और ब्लास्टोसिस का मतलब क्या हो रहा है ब्लास्ट होना, यानी कि उसकी आरबीसी क्या हो रही है खराब हो जा रही है, और आरबीसी खराब होने के कारण क्या हो रही है उस बच्चे की मृत्यु हो जा रही है। तो आखिरकार ऐसा हो क्या रहा है जिसके कारण इसकी मृत्यु हो रही है, तो अब हम उसको समझते हैं। अब एकदम प्रैक्टिकली समझना, मान लो कि ये माता की क्या है आरबीसी है और ये आरबीसी हो गई बच्चे की, ठीक है। अच्छा, माता का ब्लड कैसा है आरएच नेगेटिव है, आरएच नेगेटिव का मतलब क्या है इसमें वो चोकोर वाली आकृति नहीं होगी, डी एंटीजन इसमें नहीं होगा, तो इसमें वो डी एंटीजन नहीं होगा, लेकिन जो बच्चा हो रहा है वो तो क्या है आरएच पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव का मतलब क्या है इसके ब्लड में यहाँ पे इसकी आरबीसी पे वो चोकोर वाली आकृति होगी, यानी कि इसमें क्या है वो डी एंटीजन होगा। अब समझना, जो माता और बच्चा होते हैं ना वो एक प्लेसेंटा के थ्रू जुड़े होते हैं, ये प्लेसेंटा हो गई मान लो, इसके थ्रू जुड़े होते हैं। तो होता ये है कि जब पहली डिलीवरी होती है ना, पहला बच्चा जब होता है तो होगा ये कि ये प्लेसेंटा को काटेंगे और ये बच्चे को बाहर निकाल लेंगे, तो बच्चा तो बाहर आ गया, लेकिन होता क्या है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ब्लड क्या होता है ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी हो सकता हो कि बच्चे का थोड़ा ब्लड माँ में चला जाए या माँ का कुछ ब्लड बच्चे में आ जाए। तो होता यूँ है, समझना, कि इसमें था क्या ये डी एंटीजन था, ठीक है, और डिलीवरी के टाइम क्या हुआ कि डी एंटीजन वाला थोड़ा सा ब्लड जो है ना वो किस में चला गया माता के पास चला गया, और माता के ब्लड में तो माता का ब्लड तो आरएच नेगेटिव है तो वहाँ तो डी एंटीजन नहीं है, तो ये जो डी एंटीजन जब इसमें जाएगा ना तो माता के ब्लड के लिए क्या हो गया ये फॉरेन पार्टिकल हो गया, और फॉरेन पार्टिकल का मतलब क्या है जिसको क्या करना पड़ेगा निपटाना पड़ेगा, और जिसको निपटाने के लिए ये क्या बनाएगी एंटीबॉडी बनाएगी, ये क्या बनाएगी एंटीबॉडी, मान के चलो ये डी एंटीजन था तो इसके लिए डी एंटीबॉडी बनाई, मतलब कि इसको निपटाने के लिए। अब होगा ये कि अभी माता के ब्लड में तो ये डी एंटीबॉडी बन गई, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये बच्चा तो अपना बाहर आ गया था। अब जब नेक्स्ट बच्चा होगा ना, तो नेक्स्ट बच्चा जब होगा ना तो होगा ये कि जैसे ही मान के चलो इन दोनों के बीच में अगर ब्लड ट्रांसफ़र हुआ और ये जो बच्चा है वो तो आरएच पॉजिटिव है आरएच पॉजिटिव, और माता के पास जो है ना वो डी एंटीबॉडी बनी हुई है किसके लिए ये जो डी एंटीजन है इसके लिए, और थोड़ा बहुत अगर ब्लड ट्रांसफ़र हुआ तो होगा ये कि जो डी एंटीबॉडी है ना वो इसके बच्चे के ब्लड को क्या कर देगी इफेक्टिव कर देगी, उसकी आरबीसी को क्या कर देगी ख़राब कर देगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है डी एंटीजन का क्या है डी एंटीबॉडी यानी इसको मारने वाली, तो बच्चे की क्या हो जाएगी फिर इस कंडीशन में डेथ हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि माता और बच्चे के बीच में जो ब्लड ट्रांसफ़र है ना वो कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है। तो देखो, बच्चे को माँ से कनेक्ट करने वाली जो नली होती है उसको क्या बोलते हैं प्लेसेंटा, ये चित्र में देख सकते हो। तो डिलीवरी के टाइम क्या किया जाता है इसको कट किया जाता है, तो तब क्या हो सकता है थोड़ा बहुत ब्लड ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा क्या है कि बाई चांस मान लो कि जब बच्चा पेट में था हो सकता हो माँ को कोई चोट लग गई हो जिसके कारण क्या होगा बच्चा थोड़ा बहुत डैमेज हुआ हो उसका ब्लड क्या हो गया और ट्रांसफ़र हो गया। फिर एक कंडीशन और हो सकती है, अगर एमनियोटिक बैग अगर फट गया ना तब भी ये दिक्कत हो सकती है। एमनियोटिक बैग का मतलब क्या होता है, एमनियोटिक बैग का मतलब इमेज में देखो पहले, जिसके अंदर क्या होता है बच्चा सुरक्षित रहता है माँ के पेट में और इसमें फ्लूड भरा होता है उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूड। अच्छा, जिसको साधारण भाषा में लोग बोलते थे ना कि वो पानी की थैली फट गई करके ऐसा बोलते हैं, तो बस वही चीज़ है।
तो ये बैग फटने से भी क्या हो सकता है, ब्लड ट्रांसफर हो सकता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। और जिनके भी साथ ऐसी कंडीशन बन रही हो तो वो डॉक्टर की सहायता लें, क्योंकि डॉक्टर की सहायता लेने से ये ठीक हो सकती है, क्योंकि कई प्रकार की दवाइयाँ भी आती हैं जो ये एंटीबॉडी को बनने ही नहीं देती हैं। तो ठीक है, इस क्लास को इतना ही रखते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।